फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं मेरे ये गुलदाउदी के खिलते हुए फूलों के साथ। तो देखिए, काफ़ी अच्छे से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने लगी है, बर्ड्स सब खुलने लगे हैं। जब बर्ड्स खिलने में आते हैं तो कितना खूबसूरत दिखता है। तो इसमें मेरे शायद पिंक कलर के फ्लावर आएंगे। तो मेरे पास ढेर सारे कलर के गुलदाउदी के प्लांट हैं, जो कि मैं पिछले साल से कटिंग करके, पिछले साल का सेव किया हुआ में से मैं कटिंग करके लगाई हूँ, और सब में बर्ड्स आ रखे हैं। तो कुछ एक में खिलना स्टार्ट हो गया है और देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जब खिलेंगे तब पता चलेगा कि कौन से कलर के फ्लावर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जब सेव किया था तो मैंने कलर मेंशन करके नहीं सेव किया था, इसीलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन से कलर के फ्लावर इसमें आएंगे। तो देखते हैं, और जैसे जैसे खिलेंगे मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, आप देखिए चारों तरफ एकदम से धुंध हो रखी है, कुछ नहीं दिख रहा है। जबकि सवेरे का 8 बज चुका है और अभी तक जैसे लगता है दिन निकला ही नहीं है। कुछ ऐसा मौसम होने लगा है, ठंड अच्छे से पड़ने लगी है हमारे यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने आज सवेरे वीडियो बनाया कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कि इस टाइम अपने गार्डन में आना और ये जो लुक होता है इसे देख के मन खुश हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह का जो चारों तरफ एटमॉस्फेयर दिखता है, तो साथ में मैं आपको भी दिखा देती हूँ। देखिए, मेरे ये बोगनवेलिया के फ्लावर काफ़ी अच्छे से खिल रखे हैं, एकदम भर के खिल रखे हैं और अच्छा इसका लुक भी आ रहा है। तो चलिए फिर अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ये इंडोर प्लांट, जो कि मैंने इंडोर नहीं रखा है, लेकिन है ये कंप्लीट इंडोर प्लांट, इसे आप ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। तो ये है ड्रेशिना वैरायटी का प्लांट, जिसे ड्रैगन ट्री कहते हैं। तो आज मैं आपके साथ इसी प्लांट के बारे में शेयर करूँगी। मेरे पास ये दो कलर के प्लांट है, एक में इस टाइप से रेड रेड लाइनिंग बनी हुई है और एक में ग्रीन लाइनिंग बनी हुई है। तो ये दो कलर के मेरे पास ड्रैगन ट्री प्लांट है, और इसे हम कंप्लीट इंडोर भी रख सकते हैं, ऐसी जगह जहां बाहर से रोशनी आती हो, अच्छी रोशनी आती हो, तो ऐसी जगह अगर हम इसे रखें तो हम इसे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसे टेरेस पे रखा हुआ है, टेरेस पे भी मैंने ऐसी जगह रखा है जहाँ मेरे पूरे दिन की धूप नहीं आती है। जब शाम को सूरज ढल रहा होता है तब मेरे इस एरिया में धूप आती है, इसीलिए मैंने लगभग सारे जो इंडोर प्लांट होते हैं मैंने सब इसी एरिया में ही रखा है, जिनको थोड़ी धूप चाहिए, ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। तो ऐसी जगह पे मैं इसे ग्रो कर रही हूँ और मेरा ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो भी हो रहा है, काफ़ी अच्छी इसकी हाइट भी हो गई है और बिना कोई दिक्कत के मेरे ये प्लांट टेरेस पे चल रहा है। गर्मियों के दिन में जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, लू चलने लगती है, तब थोड़ी परेशानी होती है, इसके टिप्स बर्न होने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे मौसम बरसात की ओर बढ़ता जा रहा होता है तो मेरा ये प्लांट वापस से ठीक होने लगता है, ग्रोथ अच्छी हो जाती है, कलर भी इसके बहुत अच्छे आने लग जाते हैं। तो आप देखिए, बहुत ही सुंदर कलर है और काफ़ी लंबा हो चुका है मेरा ये प्लांट। तो इस प्लांट, मेरा ये प्लांट जब क्योंकि लंबा हो गया है तो इसीलिए मैंने इस प्लांट पॉट को कवर करने के लिए मैंने इसी प्लांट पॉट में ये कोलियस के प्लांट लगा रखे हैं, जो कि मेरे इस एक तो मेरे इस प्लांट पॉट को कवर भी कर ले, दूसरा कोलियस का प्लांट जो है वो अपने गार्डन में कहीं कहीं बीच बीच में लगाएं तो वो पूरे जगह को कवर करके एक सुंदर सा कलरफुल लुक दे देता है। इसीलिए मैं कोलियस के प्लांट लगा लेती हूँ जगह जगह पे, और कोलियस के प्लांट के रूट जो होते हैं वो डीपली नहीं जाते हैं, तो मुझे प्रॉपर जो मेरा पॉट है, जिस प्लांट के लिए वो पॉट है, उस प्लांट
को कोई दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए भी मैं कोलियस के प्लांट को मेरे जो खाली गमले होते हैं, जो थोड़े बहुत स्पेस होता है उसमें, तो मैं उसमें लगा लेती हूँ। तो हम बात कर रहे थे ड्रेसिना प्लांट के बारे में, जो कि है ये ड्रैगन ट्री प्लांट। तो इस प्लांट को हम वेल्ड्रेन सॉयल में लगाएं, जो कि सब प्लांट के लिए अच्छा होता है। और इंडोर अगर रखना है तो आपको कंपलसरी है कि आप वेल्ड्रेन सॉयल में ही लगाएं, क्योंकि पानी अगर अच्छे से ड्रेन आउट ना हो तो प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और इंडोर तो ना तो हमारे इस प्लांट को धूप मिलेगी और ना ही इसकी मिट्टी सूख पाएगी, इसीलिए हमें वेल्ड्रेन सॉयल हर प्लांट को देना चाहिए, जो कि मेरा हमेशा मैं कहती हूँ, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा आपके पास जो भी कंपोस्ट हो, वो कंपोस्ट आप ऐड करिए और साथ में मिट्टी तैयार करके प्लांट लगाइए। बिना किसी दिक्कत के वो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि प्लांट की दिक्कत जो होती है वो होती है ओवर वाटरिंग से, मिट्टी में पानी ठहरने से, कुछ यही सब प्रॉब्लम से प्लांट हमारा ख़राब होता है। तो वेल्ड्रेन सॉइल में लगाना है, पानी हमें तभी देना है जब इसकी मिट्टी का ऊपर का सरफेस एरिया ड्राई हो जाए। और इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में इस प्लांट को रखना है, और अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो आप एक आध घंटे की धूप आए सुबह या शाम, ऐसी जगह पे भी आप इसे रख सकते हैं। हमें इसे बचाना है सिर्फ दोपहर की तेज़ धूप से। तेज़ धूप में अगर हम रख देंगे तो इसके पत्ते का जो टॉप पॉइंट है ये बर्न हो जाता है ख़राब, फिर उसके बाद मेरा हमारा ये प्लांट ख़राब लगने लगता है। इसकी जो कलर है वो कलर खिल के नहीं आते हैं, उभर के नहीं आते हैं, तो प्लांट की सारी जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी से यही हमें ध्यान रखना है कि हमें दोपहर की तेज़ धूप से इस प्लांट को बचा के रखना है। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो इंडोर प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप इंडोर रखे हैं तो आप साल में 2 से 3 बार ड्राई कंपोस्ट दीजिए, क्योंकि ये प्लांट हम जैसे गमले में लगाएं, उस गमले में स्पेस रहा तो आप उसमें ड्राई कंपोस्ट दीजिए, जो कि स्लो रिलीज होता है और धीरे धीरे प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी करते रहेगा। और क्योंकि मैं इसे टेरेस पर रखी हुई हूँ, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादातर सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। मैं इंडोर प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र सरसों खली का नहीं देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा स्मेली होता है। और घर के अंदर रखा हुआ प्लांट में हम अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, वो भी सरसों खली का, तो वो एक अजीब सा स्मेल आते रहता है, जो कि मुझे और मेरी फैमिली को किसी को नहीं पसंद है। इसीलिए मैं इंडोर प्लांट में सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। लेकिन मैं टेरेस, मेरे जो टेरेस गार्डन है, इसमें मैं जितने भी प्लांट रखी हुई हूँ, मैं इन सारे प्लांट को सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ रेगुलर बेसिस पे। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि आप 15 दिन में या 20 दिन में आप सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, तो मैं उसी तरह से देती हूँ सारे प्लांट को। तो यह डिपेंड करता है आप पे कि आप इस प्लांट को कैसी जगह पे रखें। और ड्राई कंपोस्ट जो होता है वो स्लो रिलीज होने के कारण धीरे धीरे काम करता है और प्लांट की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे पूरी होती रहती है, तो बार बार हमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस प्लांट में स्पाइडर माइट्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ध्यान रखें इस बात का। आपको अगर किसी भी तरह का दिखे इसमें पेस्ट अटैक हो रहा है तो आप तुरंत नीम ऑयल का स्प्रे करिए या लिक्विड सोप वाटर का स्प्रे करिए। तो नीम ऑयल का स्प्रे हम हमेशा करते रहें तो हमारा प्लांट बहुत ही अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। और इसका प्रूफ मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखिए मेरे प्लांट को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़े बहुत जो पत्ते पीले वगैरह पड़ते हैं तो वो होता है थोड़ा मौसम का इफ़ेक्ट होता है, जैसे अभी मौसम बदल रहा है, गर्मी से एकदम से ठंडा में बदल रहा है मौसम, तो थोड़े बहुत इसमें फ़र्क आते हैं। तो नीचे से जो इस तरह के जो ड्राई लीव्स वगैरह होते हैं उसे आप हटाते रहिए और आपका प्लांट बहुत अच्छे से हेल्दी रहेगा, ग्रो करेगा। और इस प्लांट
आपको ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, जैसे मैं आपको दिखाऊं मेरा ये प्लांट, मेरे इस प्लांट का जो टॉप पॉइंट है, इसे मेरे बंदरों ने तोड़ दिया था। तो मैंने इसे प्रून नहीं किया था, मेरे यहाँ बंदर बहुत आते हैं तो बंदरों ने तोड़ दिया था। तो उसके बाद देखिए मेरे यहाँ पे से कितने सारे ये स्टेम निकल आए हैं, जिसमें ये देखिए यहाँ से एक मैंने तोड़ के लगाया भी है। तो स्टिप टॉप पॉइंट तोड़ हटा देने से फिर ढेर सारे साइड ब्रांचेस निकलने लगते हैं। तो बहुत इजीली फिर उसके बाद हम इसे या तो ऐसे ही छोड़ दें, ये बहुत सुंदर दिख रहा है, और या फिर अगर आपको और प्लांट बनाना है तो आप इसे अलग करके इसे लगा लीजिए, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और मैंने खुद देखा है कि इस प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको किसी भी तरह के मौसम को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इस प्लांट को प्रोपगेशन करना भी बहुत आसान है। तो यही सब कुछ बातें हैं इस प्लांट के बारे में जो कि आज आपके साथ शेयर किया है, और बहुत ही सुंदर प्लांट है। आप भी ग्रो, अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो बिल्कुल लगाइए, क्योंकि इस प्लांट को कोई केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा बहुत जो हमें देखना होता है तो वो तो सारे ही प्लांट को देखना पड़ेगा, अगर हम लगा दें और छोड़ दें तो हमको जो जिस तरह का चाहिए उस प्लांट से वो फिर नहीं मिलता है। एज इट इज़ वो प्लांट ग्रो ज़रूर होता है लेकिन वो एक खूबसूरत लुक नहीं आता है, तो थोड़ी बहुत केयर तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो यही सब है इस ड्रैगन ट्री प्लांट के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिए, और साथ में बेल बटन भी दबाइए, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके देन, बाय।